ऐसे एक स्टॉक के बारे में हम लोग आज जानेंगे इस वीडियो में। CSC लिमिटेड, कलकत्ता इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन लिमिटेड का एक स्टॉक है। और ये देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी स्टॉक प्लीट बोनस अनाउंसमेंट हो चुका है, तो इसका जो एक्स डेट है आप थोड़ा नोट करके रखिए, 20 सितंबर 2021 है, ठीक है। बाकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये स्टॉक में बहुत ही एक ज़बरदस्त स्टॉक प्लीट होने वाला है, डिविडेंड बहुत अच्छा मिलने वाला है। एक शेयर रहेगा तो आपको 10 शेयर मिलने वाला है। सिमिलरली अगर आपके पास 100 शेयर्स है तो आपको 1000 से ज़्यादा शेयर्स आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा इन तक, आपको पता चल जाएगा CSC के बारे में। इसका एक स्टेट तो आपको पता चल गया है, अभी देखिए इसका कितना बढ़िया प्रॉफिट आपको मिल सकता है, तो वीडियो में ज़रूर देखिए इन तक। तो ये फ्रेंड CSC लिमिटेड पर हम लोग आ गए। इसका जो टेक्निकल चार्ट है आप देख सकते हो, स्टॉक का जो प्राइस है करेंटली 757 रुपीज़ है। अगर मैं इवेंट सेक्शन में जाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे 18 अगस्त को ये डिक्लेयर हो गया था कि स्टॉक का प्लीज स्प्लिट होने वाला है, ठीक है। स्टॉक का स्प्लिट होने वाला है और इसका एक स्टेट भी आप देखिए, यहाँ पे एक रिसेंटली यहाँ पे डिविडेंड भी दिया था। और इसका जो स्प्लिट होने वाला है माय फ्रेंड, मैं आपको बता दूँ स्प्लिट का जो कैलकुलेशन है, अगर आपके पास एक शेयर है CSC का तो आपको 10 शेयर मिलने वाला है, ठीक है। सिमिलरली अगर आपका 100 शेयर्स है तो इसके बदले में आपको 1000 शेयर मिलने वाला है, ठीक है। तो काफ़ी बेहतरीन मौका है आपको पैसा बनाने के लिए इस स्टॉक में, डिविडेंड भी अच्छा खासा मिलता है। CSC बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, ये कलकत्ता इलेक्ट्रिकल कॉरपोरेशन का इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का कंपनी है। यहाँ पे महाराष्ट्र मालेगांव एंड नासिक में भी इसका डिस्ट्रीब्यूशन का कंपनी है। तो खास करके जो कलकत्ता में इलेक्ट्रिसिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन का कंपनी है, संजीव गोयन का कंपनी, तो काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे इन्होंने बिजनेस कर रहा है। इसका जो प्रॉफिट आप देख सकते हो, कंपनी का प्रॉफिट भी बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कंपनी ने डिक्लेयर किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी का जो प्रॉफिट है, काफ़ी अच्छा खासा कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट बनाते हुए आपको दिखाई देगा। प्रॉफिट अप टू 15.57% आप यहाँ पर देख सकते हो। मैं आपको हाईलाइट करता हूँ, Q4 यानी जो लास्ट जो क्वार्टर था, यहाँ पे कंपनी का काफ़ी अच्छा मुनाफा देखने के लिए मिला, इसलिए कंपनी का जो शेयर है काफ़ी अच्छा यहाँ पे परफॉर्म देखने के लिए मिल रहा है। कंपनी का देखिए यहाँ पे जो लास्ट क्वार्टर था, लास्ट टू लास्ट क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर में भी CSC का नेट प्रॉफिट 13% बढ़ के 429 करोड़ हो गया था, ठीक है, इन मार्च क्वार्टर। और लास्ट क्वार्टर में भी इस कंपनी में लगातार बढ़ोतरी देखने के लिए मिला है इन प्रॉफिट। अभी कंपनी का जो करेंट स्टॉक का प्राइस है वो आप देख सकते हो स्क्रीन पर, 757 रुपीज़ है। और स्टॉक ने काफ़ी अच्छा रिटर्न भी दिया है। अगर आप देखोगे डेटा एक साल में, कंपनी का एक साल का डेटा आप चेक करते हो तो 16% डेटा दिया है, एक स्टेबल डेटा दिया है। ऐसे नहीं कि पेनी स्टॉक्स है, ऐसा बिल्कुल नहीं, बहुत ही शानदार एंड इसका फंडामेंटल मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। और आप इस स्टॉक में अभी भी काफ़ी कुछ बचा है, स्टॉक में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिल सकता है कि कंपनी ओवरऑल बहुत अच्छा है। इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है तो आप मान के चल सकते हो। कंपनी इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करता है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। और इसका जो और भी टेक्निकल डिटेल्स मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है 10,069 करोड़ से ज़्यादा है, पी रेशियो है 7.7 एंड इंडस्ट्री जो डिविडेंड यील्ड है 5.92% है। कंपनी का अगर रेवेन्यू देखेंगे आप ईयरली, तो देखिए हर साल कंपनी का एक स्टेबल एंड अच्छा यहाँ पे रेवेन्यू आपको देखने के लिए मिल जाता है। प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी का प्रॉफिट बहुत ही अच्छा जंप यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। नेट एसेट नेट वर्थ भी यहाँ पे कंसिस्टेंट है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा मेंटेन करके रखा है कंपनी ने। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखेंगे तो प्रोमोटर्स के पास है 50%, म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स है 20%, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है 14% एंड FII के पास भी देखिए 14% का स्टेक है, ताकि जो कि काफ़ी अच्छा सिंबल होता है कि अगर म्यूचुअल फंड हाउस एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट ज़्यादा करते हैं कोई भी स्टॉक में तो स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रांग होते हैं। जो मेजर म्यूचुअल फंड हाउस है जैसे ICICI प्रूडेंशियल इंडिया, SBI, ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड एंड SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये सारे के सारे फंड हाउस ने ये स्टॉक में निवेश करके रखा है, जो कि ये बहुत ही अच्छा फंड हाउस माना जाता है। और कंपनी का जो स्ट्रांग फंडामेंटल्स है टेक्निकल एनालिसिस के बाद, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ ये स्टॉक्स आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट देखिए हर क्वार्टर में कंपनी ना प्रॉफिट यहाँ पे मेंटेन करते हुए आपको दिखाई देगा। और ऊपर से आपको जब स्टॉक का डिविडेंड मिलेगा, बोनस मिलेगा,
अगर आपको 100 स्टॉक्स खरीदते हो तो आप इसके बदले में 1000 का स्टॉक्स आपको मिल जाएगा। और जैसे मैंने आपको एक डेट रिकॉर्ड डेट आपको बताया 21 सितंबर, तो आपको 21 सितंबर से बहुत पहले आपको स्टॉक को ख़रीद लेना है, क्योंकि क्या होता है डीमैट अकाउंट में स्टॉक्स आते आते 3 या 4 दिन लग जाते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करना बिफोर 15 सितंबर से पहले ये स्टॉक को आप ख़रीद लेते हो, तो आपका जितना भी आप खरीदोगे, मान लीजिए आपने 100 शेयर ख़रीदा, तो 22 सितंबर के बाद जब फाइनलाइज हो जाएगा स्प्लिट, तो आपको यही 100 शेयर्स आपका बन जाएगा 1000 शेयर्स, ठीक है। तो ये आपका काफ़ी अच्छा फॉर लॉन्ग टर्म आपका मुनाफा हो सकता है। हालांकि स्टॉक का जो प्राइस है वो भी आपका डिवाइड हो जाएगा, 757 से आपका हो सकता है 780 रुपीज़ हो गया पर शेयर्स, पर स्टिल इफ द क्वान्टिटी इज़ मोर यू विल गेट मोर प्रॉफिट फॉर लॉन्ग रन, ठीक है। और आपका इसके साथ साथ डिविडेंड बोनस भी अगर मिलता है स्टॉक में, तो आपका लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा होने वाला है। और CSC का बिजनेस ऐसा है, ये लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है, बहुत ही अच्छा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग एंड बिजनेस है, एंड इसका मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। खास करके इसका जो मोनोपोली बिजनेस है इन कलकत्ता में, कलकत्ता वेस्ट बंगाल में इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है, और कलकत्ता वेस्ट बंगाल को छोड़ के भी अदर स्टेट में भी इसका इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का काम है। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ इसका जो ये फ्यूचर है, काफ़ी इसका प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। एंड संजीव गोयन का इस रिनाउट पर्सन इन इंडस्ट्री, एंड इसका जो बिजनेस है काफ़ी अच्छा ग्रो होने वाला है इन कमिंग ईयर्स। तो आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और अगर आप एक स्टेट के पहले स्टॉक खरीद लेते हो 15 सितंबर या 16 सितंबर तक, तो आपका जो शेयर्स है आपका 10 गुना शेयर्स स्प्लिट होने के बाद आपका वही शेयर्स 10 गुना बढ़ जाएगा, 100 शेयर्स आप पर 1000 हो जाएगा, ठीक है। ये एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ है, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपका CSE। आपके पास अगर ये स्टॉक ऑलरेडी है तो कमेंट करके बिल्कुल आप बता सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो क्या आप खरीद रहे हो या नहीं खरीद रहे हो, आप क्यों नहीं खरीद रहे हो, आपका कुछ भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आप लिख के बोलिए। तो क्वेरी भी अगर है तो आप वो भी बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने के लिए। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड सपोर्ट, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हर रोज़ मिलता रहती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ।